बहराइच में मृतक रामगोपाल की हत्या के बाद जबरदस्त तनाव, गुस्साई भीड़ ने की आगजनी और तोड़फोड़, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। बहराइच में बेकाबू हुई गुस्साई भीड़, तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद, इलाके में भारी पुलिस बल के साथ पीएसी की 6 कंपनियां तैनात। बहराइच में गुस्साई भीड़ ने बाइक शोरूम को की आग के हवाले, शोरूम के बाहर रखी बाइकों पर भी की गई आगजनी। बहराइच में भीड़ ने कई कारों को आग के हवाले किया, धू धू कर जलती रही कई कारें, पुलिस के समझाने के बावजूद भीड़ नहीं हुई शांत। बहराइच में हिंसा से भारी तनाव का माहौल, उपद्रवियों ने 5 से 6 घरों में आग लगाई, घर दुकान छोड़कर निकले लोग खौफ में, लोगों ने बंद की दुकान। बहराइच में पथराव और आगजनी के बाद हालात तनावपूर्ण, पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील, मौके पर आला अधिकारी मौजूद, पुलिस फोर्स के साथ एसपी और डीएम ने निकाला फ्लैग मार्च। बहराइच के हालात पर सीएम योगी ने बनाई हुई है कड़ी नजर, सीएम योगी ने डीजीपी को दिए कठोर कार्रवाई करने के निर्देश, कहा माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच में तनाव को लेकर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एडीजी लॉयड ऑर्डर अमिताभ यश ने संभाली कमान, सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, शूटर्स के हैंडलर जीशान की डोजियर में मिला सौरव महाकाल का नाम, मूसेवाला हत्याकांड में आया था नाम, जीशान और सौरव महाकाल हैं लॉरेंस गैंग के एक्टिव मेंबर। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चौथी गिरफ्तारी, हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला शुभम लोनकर पुणे से अरेस्ट, शूटर्स के हैंडलर जीशान अख्तर की तलाश जारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर एसपी नेता एसटी हसन का बयान, सुरक्षा पर उठाए सवाल, बोले ये चिंताजनक है कि सरकार पुलिस और सेना के होते हुए अंडरवर्ल्ड व्यवस्था कायम है। बाबा सिद्दीकी पर समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन ने महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल, कहा यह घटना सरकार और प्रशासन दोनों का फेलियर है, मुख्य आरोपी कब पकड़ा जाएगा। सिद्दीकी हत्याकांड पर फूटा सांसद पप्पू यादव का गुस्सा, लॉरेंस बिश्नोई को दी धमकी, बोले कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान में बम की खबर से हड़कंप, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया गया प्लेन, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ी, गृह मंत्रालय ने दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा, अब सीआरपीएफ के कमांडो करेंगी सुरक्षा। मोडा स्कैम को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का निशाना, शहजाद पूनावाला बोले सिद्धरमैया के बाद खड़गे परिवार भी लौटा रहा जमीन। राजस्थान के बीकानेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पकड़ा गया बांग्लादेशी शख्स, पुलिस हिरासत में संदिग्ध व्यक्ति, पूछताछ जारी। राजस्थान के दौसा में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, जमीनी विवाद को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस ने की समझाने की कोशिश। यूपी के आगरा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पोल से टकराई, पोल से टकराने के बाद गाड़ी से निकली चिंगारी, पूरी घटना का वीडियो आया सामने। यूपी के बलिया में एक रिक्शा बेकाबू होकर दुकान में घुसा, दुकान का शीशा तोड़कर दुकान के अंदर तक पहुंचा रिक्शा, ड्राइवर को रिक्शे से सुरक्षित निकाला गया बाहर। यूपी के ललितपुर में बस और कार की भीषण टक्कर, भीषण टक्कर के बाद कार के पर खच्चे उड़े, हादसे में 4 लोग घायल, इलाज जारी। यूपी के कानपुर में 2 ट्रकों के बीच दबी गाड़ी, हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर मौत, नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। यूपी के चंदौली में हाई टेंशन तार की चपेट में आया ट्रक, देखते ही देखते धू धू कर जला ट्रक, आसमान में उड़ता दिखा काले धुएं का गुबार, आग की चपेट में आने से ट्रक ड्राइवर झुलसा। झारखंड के पाकुड़ में गाड़ी में लगी आग ने लिया विकराल रूप, धू धू कर जलती रही गाड़ी, घटना में कोई जनहानि नहीं। हैदराबाद के शमशाबाद में कार में लगी भीषण आग, लोगों में अफरा तफरी का माहौल, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के झुंझुनू में सड़कों पर घूमता दिखा तेंदुआ, तेंदुए का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, गांव में दहशत का माहौल। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरा, मजदूरों ने भागकर जान बचाई, एक मशीन को पहुंचा नुकसान, रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी। इंदौर में ज्वेलरी शोरूम में चोरी, लाखों के गहने लेकर फरार हुआ कर्मचारी, चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड, फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुटी। छत्तीसगढ़ के कोरिया में गाड़ी में तोड़फोड़, 30 गाड़ियों के शीशे तोड़े, बाइक सवार 3 युवकों ने घटना को दिया अंजाम, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने।
यूपी के अमरोहा में रामलीला के दौरान कलाकारों के बीच मारपीट, रामलीला देख रहे लोगों ने झगड़ा शांत करवाया, वीडियो आया सामने। एमपी के भोपाल में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने दो बदमाशों को दबोचा, मौके से एक फरार। गाजा में इजरायली हमले के बाद अस्पताल में लगी भीषण आग, लोगों में मची अफरा तफरी, आसमान में उड़ता दिखा आग का और धुएं का गुबार। Z News.